हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल राज द वॉइस ऑफ सोल। आज है 26th of March सैटरडे, एंड आप मेरा गेटअप देख के समझ ही रहे होंगे कि मैं तैयार हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए। तो हाँ, कुछ नए पेशेंट्स आए हैं जिसके लिए अभी हमें जाना है हॉस्पिटल। आफ्टर दैट वील हैव आर क्लिनिकल क्लासेस एंड देन वी हैव टू गो टू कॉलेज। तो चलिए चलते हैं और आज का अपना दिन आपके साथ स्पेंड करते हैं। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सो इट्स संडे आफ्टरनून 27th of March जब मैं अपना ये ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। ये गैप जो आया है इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन लास्ट वीक ही हम अपने घर से आए थे तो थोड़ा टाइम तो हम सभी को एडजस्ट करने में लग गया था खुद को। एंड बैक टू बैक हमारी क्लासेस, क्लिनिकल्स, हॉस्पिटल, सारी चीज़ें थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि हड़बड़ाहट में मैं आप सभी को कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दूं, इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई और ना ही एडिट किया है। अभी जस्ट से मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूं और अभी ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए सीधा हम बात करते हैं अपने टिप ऑफ द डे के बारे में। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि वंडर वुमन सीरीज के यूटेराइन हेल्थ के सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे पीरियड्स के बारे में। सो वॉट इज पीरियड्स? पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन या मासिक धर्म, अपनी भाषा में जो भी आप कहते हो ना, यूटेराइन लाइनिंग का हर महीने निकल जाना या शेड हो जाना, इसे हम पीरियड्स कहते हैं। इस तरीके से ना हमारे यूट्रस की तीन कवरिंग होती है, पहला और सबसे ऊपर का पेरीमेट्रियम, दूसरा और बीच का मायोमेट्रियम, एंड तीसरा एंड जो सबसे इनरमोस्ट लाइनिंग जो होती है यूट्रस की, ब्लड एंड टिश्यूज की बनी हुई, एंडोमेट्रियम। इसी एंडोमेट्रियम का हर महीने शेड हो जाना जो है वो पीरियड्स कहलाता है, क्योंकि हमारा जो यूट्रस है ये लाइनिंग हर महीने तैयार होती है प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन जब कोई फर्टिलाइजेशन या इंटरकोर्स नहीं होता है तो इस लाइनिंग की कोई नीड नहीं होती है हमारी बॉडी को, एंड ये बाहर निकल जाता है जिसे कि हम पीरियड्स कहते हैं। तो ये तो हो गई इसकी फिजियोलॉजी कि ये होता क्या है एंड कैसे होता है। अब आ जाते हैं इसके प्रॉब्लम्स पे। जी हाँ, ये सही बात है कि ये कोई बीमारी नहीं है, हर महीने होने वाली एक नेचुरल प्रक्रिया है या एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो हम कहते हैं वो है, लेकिन हाँ इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले तो मेनार्की, जब एक 12 से 16 साल की उम्र, जो हम एक नॉर्मल रेंज कहते हैं, 12 से 16 साल की उम्र में किसी लड़की को पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं, जिसे कि ऑनसेट ऑफ पीरियड्स को हम मेनार्की कहते हैं, तो मेनार्की स्टार्ट होती ही ना बॉडी में चेंजेस होने लग जाते हैं। एंड पहला पीरियड्स कई बार लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, या फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड्स एंड अप टू 6 months, मतलब जब से पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं एंड अगले 6 महीने तक ना पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं या फ्लो सही नहीं होता है या खुद को सेट नहीं कर पाती है लड़कियां, तो ऐसी प्रॉब्लम आती है। लेकिन स्टार्टिंग से या अगले 6 महीने तक ना ये चीज होना एक नॉर्मल माना जाता है। उसके बाद जब एक रिप्रोडक्टिव फेज में एक फीमेल आ जाती है, उसके बाद ये प्रॉब्लम्स होना, दैट इज अबनॉर्मल। एंड उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में मैं अभी बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो पीरियड्स आने के पहले जो प्री मेंस्ट्रुअल फेज होता है उसमें हमारे थाइज में पेन होने लग जाता है, क्रैम्स आने लग जाते हैं, एंड मूड स्विंग्स भी होने लगता है कई बार, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे हॉर्मोन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा ब्रेन एंड माइंड भी इसमें अफेक्ट हो जाता है, तो इसे हम प्री मेंस्ट्रुअल फेज या क्रैम्प्स कहते हैं, ऐसी दिक्कत आ जाती है। तो हमारे थाइज में पेन होना या हमारे लोअर एब्डोमेन यानी कि नाभि के नीचे जो पेन होना है ना, उसे हम दो सिंपल टिप्स के साथ मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने अपने ओवरीज वाले व्लॉग में आपसे बटरफ्लाई प्लोज वाला योगा शेयर किया था, वो आप डेली एटलीस्ट 5 to 10 minutes परफॉर्म करें। एंड दूसरी ये लेग स्ट्रेच एक्सरसाइज, जैसा कि आपको मेरे स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा, ये आप 5 to 10 minutes परफॉर्म करें। तो ये दोनों एक्सरसाइज करने से ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड द नेक्स्ट थिंग, आपको अपने बेली बटन यानी कि अपनी नाभि में कोई भी कूल बेस या मेंथोल ऑयल 1 to 2 drops लेके उसे ना हल्का सा अपने बेली बटन को मसाज कर ले। इससे जो आपके वहाँ के मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगे एंड पेन में भी आराम मिलेगा। तो ये तो हो गई प्री मेंस्ट्रुअल फेज की बात, कि जो भी हमें पेन होता है या हमें क्रैम्प्स आते हैं एंड उसे सिंपल टिप्स के साथ हमें घर पे कैसे हेल्प मिल सकती है। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में, जो कि ब्लीडिंग फेज होता है हमारा, उसमें हमारे साथ क्या क्या दिक्कतें आती हैं।
तो सबसे पहले तो किन्हीं को जो है फ्लो बहुत ज्यादा कम होता है, यानी कि कम दिन के लिए उनके पीरियड्स रहते हैं एंड जो ब्लड का फ्लो होता है वो भी बहुत ज्यादा कम होता है। तो सबसे पहले इस चीज के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करके अपना हीमोग्लोबिन चेक कराएं एंड अपनी डाइट को मेंटेन रखें। दिस इज सर्टेन कि इस सिचुएशन में आपका हीमोग्लोबिन जो है वो काफी ज्यादा कम होगा एंड जो सर्टेन एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स भी हैं वो भी डिसबैलेंस्ड होंगे आपकी बॉडी में। एंड जो हॉर्मोन्स हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो कि हमारे मेंसेस को रेगुलेट करते हैं वो भी डिसबैलेंस्ड होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपनी डाइट को मेंटेन रखें, आप एक हेल्दी एंड फाइबर रिच डाइट लें एंड ऐसे इनटेक लें जो कि आपके बॉडी में आयरन एंड हीमोग्लोबिन जो है उसको मेंटेन रखें। जैसे कि बीट रूट हो गया, चुकंदर जिसे हम कहते हैं, गाजर हो गया, पालक हो गया या और भी हरी सब्जियां हो गई, ऐसी चीजों को इंक्लूड करके एंड अपनी डाइट को मेंटेन रखें। तो आप थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पे अपना जो भी फ्रूट्स है या स्नैक्स है वो आप रेगुलर लेते रहें एंड अपनी डाइट और डाइट की टाइमिंग्स को जो है वो मेंटेन रखें। एंड यहाँ पे ना मैं एक सिंपल किचन इंग्रेडिएंट आप सभी के सामने ऐड करने जा रही हूँ जिसे हम अपने आयुर्वेदा में एक हर्ब मानते हैं एंड इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है। सौंफ, जी हाँ सौंफ, फेनल सीड्स जिसे हम कहते हैं। सौंफ में जो एनिथॉल एंड एस्ट्रेजोल नाम के सब्सटेंसेस होते हैं ये हमारे एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रमोटर होते हैं, यानी कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन को सही अमाउंट में और सही टाइम पे बॉडी में रिलीज होते हैं जिससे कि हमारे मेंसेस के जो फ्लो हैं वो रेगुलेट होते हैं। यानी कि जो हमें स्कैंटी फ्लो यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लो कम होने वाली जो प्रॉब्लम है या हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है इससे भी ये हमें बचाकर एंड इवन पीरियड्स के दौरान कई लड़कियों को मैंने नोटिस किया है कि गैस एंड ब्लोटिंग की समस्या होती है तो ये उससे भी बचाते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं हो तो आप सिंपली सौंफ खा के थोड़ा पानी पी लें, आपको ज़रूर रिलैक्स्ड फील होगा। एंड हाँ, पीरियड्स के ब्लीडिंग फेज के दौरान अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, हैवी ब्लीडिंग की समस्या जिसे हम अपनी मेडिकल भाषा में मेनोरेजिया का नाम देते हैं, अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो इसके लिए भी डेफिनेटली आयुर्वेदा मेडिकेशन इज देयर। जैसे कि शतावरी हो गया, अशोक छाल हो गया, पंचसकार चूर्ण हो गया, इसमें भी सौंफ एक कंटेंट होता है। इन सब के सिंगल हर्ब एंड मल्टी हर्ब आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन हाँ अगेन मैं इस चीज़ के लिए आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने नियरेस्ट आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करें, अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर करें, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम क्या है एंड आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है या आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स किस तरह से रेगुलेट हो रहे हैं ये आपको एक डॉक्टर सामने से देख कर ही बता सकती हैं। तो प्लीज़ आप अपने नियरेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं एंड जो भी वो एडवाइस करती हैं ब्लड एग्जामिनेशन या सोनोग्राफी उन टेस्ट को परफॉर्म करा के उनसे कंसल्ट करके आप आयुर्वेदिक मेडिकेशंस की तरफ प्रोसीड कर सकती हैं। तो ये तो हो गया हमारा आज का ब्लॉग पीरियड्स के ऊपर कि पीरियड्स होता क्या है, कैसे होता है, इसकी क्या फिजियोलॉजी होती है एंड इन इसमें हमें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि पीरियड्स जब स्टार्ट होते हैं तब क्या क्या प्रॉब्लम होती है एंड पीरियड्स के दौरान फ्लो कम हो सकता है, फ्लो ज़्यादा हो सकता है, हमें पेन एंड क्रैम्प्स का सामना करना पड़ सकता है एंड सिंपल आयुर्वेदिक टिप्स के साथ हम इसे कैसे घर पर मैनेज कर सकते हैं। एंड हाँ, प्रॉब्लम ज़्यादा भी हो तो इसके लिए आयुर्वेदिक मेडिकेशंस भी अवेलेबल हैं। आई होप कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा जिससे कि आपको घर पे रहते ज़रूर हेल्प मिलेगी एंड अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एंड एक शेयर तो ज़रूर करें। आपके एक शेयर से मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि मेरा कोई भी ब्लॉग आए तो आप सभी से मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही अपने अगले ब्लॉग में अगली स्पेशल टिप के साथ। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आगे यूटराइन चेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तब का जो फेज होता है, पीरियड्स एंड होने का फेज, पीरियड्स के दौरान या फिर प्रेगनेंसी में या मेनोपॉज जब पीरियड्स एकदम से स्टॉप हो जाते हैं तब यूटराइन क्या क्या चेंजेस आते हैं एंड उसमें क्या क्या डिफॉर्मिटी हो सकती है एंड उसे सिंपल आयुर्वेदिक टिप्स के साथ रहते हम घर पे कैसे मैनेज कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम अपने अगले ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे पिछले ब्लॉग्स को एंजॉय करें एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल राज द वॉइस ऑफ सोल।